जय हिंद, नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों आपका पूरा मेडिकल टेस्ट पर है। ये वीडियो दोस्तों केवल आप लोगों के लिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा यूट्यूब पर कमेंट्स आ रहे थे, बोल के सर कोई सुव्यवस्थित वीडियो बनाइए जिससे हमको बहुत ज्यादा फायदा मिले, क्या हम फिट है या अनफिट है। तो जी हाँ दोस्तों, आज फौजी भाई दोस्तों आए हैं और आज फौजी भाई से जानेंगे, पूरा अनुभव शेयर करवाएंगे कि इंडियन आर्मी का जब मेडिकल टेस्ट होता है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो दोस्तों आप लोग को कंटिन्यू अच्छा लगे दोस्तों लाइक जरूर करें और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो भाई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पता तो चले कि इंडियन आर्मी मेडिकल टेस्ट कैसे होता है और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी बेटा कैसे हैं आप? बढ़िया। तीनों भाई बढ़िया हो? जी सर, बहुत अच्छी बात है। इंडियन आर्मी मेडिकल टेस्ट कैसे होता है? सभी साथियों को पहले जय हिंद। मेरा जय हिंद। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम मेडिकल फिट है तभी यहाँ खड़े हैं वर्दी पहन के। एक बात है, अगर आप मेडिकल लेने जा रहे हो सबसे पहले अपना माता पिता और जो भी आपके देवता है या अपने गुरु जी हैं जो आशीर्वाद उनको याद करके आप दो, बिल्कुल रिलैक्स होकर जाओ। जब आपको मतलब आप हड़बड़ी में जाओगे ना तो कुछ तो आपको दिक्कत होगी। आपको मतलब यहाँ बोला आप यहाँ बैठो, मतलब आप जैसे आपको स्लिप देती है मतलब स्लिप के हिसाब से बैठाएंगे, इधर ये मतलब ये आर्मी से ये नंबर है, उस टाइम आपको मतलब पूरा आपको डिसिप्लिन दिखाना है। जितना आप डिसिप्लिन दिखाओगे तो सामने वाली नज़र में भी यार चाहिए मतलब सही है। फिर आप जा रहे हो मतलब ये हाथ फिर कंपन होना, घबराहट होना, ये मतलब आप बिल्कुल निकाल दो। फिर आपको मतलब वो अलग अलग कैटेगरी के जैसे कि आइज के अलग होते हैं, हैंड के अलग होते हैं, फिर आपको उस तरह से नंबर आएगा। मान लो सबसे पहले अपन ऊपर से शुरू करते हैं, जैसे आपको ये सिर है, हेड है, वो नॉर्मल देखते हैं कहीं, मतलब बड़ी चोट देखते हैं कहीं टाँके वाके आ रखे नहीं है भाई, इतना कोई नहीं देखते। फिर अपन आते हैं आँख पे, आपके आँख में 6x6 होता है और वो कलर ब्राइटनेस होता है, उसमें कोई दिक्कत अगर आपके है दिक्कत तो मतलब अभी से थोड़ा मतलब जो सर जी के पीछे वाले वीडियो है वो आप देखना शुरू करो। बाकी नॉर्मल आप अगर हो तो आप नॉर्मल हो ऑपरेशन करो, भाई कोई दिक्कत नहीं। ये दो चीज़ होती है आई में, भाई कान में आपके मतलब कोई पर्दे पर धब्बा है नहीं है आपके, मतलब फटा हुआ नहीं है, ये देखते हैं आपके। तो उसके बाद आप अगर फिर आओ तो ये मतलब बराबर सही होना चाहिए पीछे से, ये पूरे इधर से मतलब सही होना चाहिए पीछे से, मतलब पोजिशन पूरा सही होना चाहिए। और फिर आगे से आपके मतलब एक निप्पल ऊपर नीचे नहीं है, बराबर है, वो देखें। और फिर मतलब वही हाथ पे आते हैं, हाथ में दोस्तों सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। अगर हाथ मतलब जैसे ये मैं हूँ तो मैं मतलब थोड़ा नर्वस हूँ और मतलब थोड़ा डर है मेरे में यार कि मेडिकल पॉइंट नहीं मिलते मेरा, तो मेरे हाथ ऐसा कंपन करते हैं, तो कंपन करते हैं तो उसके दिमाग में कुछ आता है जो सब लोग दिमाग में रहे बंदे या कुछ ना कुछ है छिपाने की, मतलब वो छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो नॉर्मल खड़े जैसे वो करते हैं ना, जैसे ऐसे करो जैसे वो कर रहे हैं आराम से, बस रिलैक्स हो बस। अगर आपको नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लो आपको पॉइंट मिल भी गया तो घबराओ मत, वापस आपको रीमेडिकल मिलता है वहाँ से पॉइंट मतलब छूट जाएगा, टूट जाता है सर। फिर उसके बाद वापस आते हैं अपने प्राइवेट पार्ट पर, जो आपके वर्षन होते हैं 19-20 का फर्क रहता है, मतलब थोड़ा छोटा मोटा, एक थोड़ा बड़ा होता है एक छोटा होता है, बाकी ज़्यादा बड़ा हुआ मतलब आपके जो हाइड्रोसिल प्रॉब्लम है तो होती है जिसमें आपको पानी भर जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब आपके हाथ लगा के चेक करता है। फिर उसके बाद जो अपना प्राइवेट पैड होता है उसमें मतलब जो चिमड़ी है वो मतलब ओपन हो रही नहीं हो रही है, आपका मतलब छेद सही है कि नहीं है, अगर छेद मतलब छेद सही भी नहीं है आपके दो है तो भी वो उसका भी इलाज है, उसका भी इलाज होता है। तो आप मतलब पहले से आप देख लो कि क्या क्या कमी है। फिर उसके बाद अपन आते हैं पेन पर, आते हैं नोक नहीं देखते, नोक नहीं मतलब आपके नहीं स्केल रहता है मतलब स्केल टाइप का, वो अंदर से डाल के वो पूरा चेक करते हैं। फिर उसके बाद आप लचक का पॉइंट होता है, सबसे ज़्यादा पॉइंट उसमें मिलता है लचक के पॉइंट, मतलब लचक का पॉइंट बढ़ा देता है, मतलब लचक होती है, मतलब जो एक पैर मतलब अपना ये एक पैर सी होता है और एक मतलब ऐसे मतलब चलवा के देखता थोड़ा थोड़ा, तो मतलब उसमें उसको फर्क दिखाई देता है, मतलब एक तो ज़्यादा मतलब वो लंचिंग करता है और एक सही रहता है। और फिर आपके मतलब वो एक नस का होता है वेरिकोस, हाँ वेरिकोस का, उसको मतलब कूदवाते हैं मतलब थोड़ा जंपिंग करवाते हैं ताकि अगर बंदा वास्तव में उसके है तो मतलब वो नस बाहर दिख जाती है, उसका भी इलाज है, उसका भी मतलब नॉर्मल इलाज है, कोई दिक्कत नहीं हो जाता। फिर उसके बाद उसके बाद क्या, उसके बाद बस दांतों का मेडिकल टेस्ट होता है ना, दांतों किस प्रकार में किया जाता है, दांतों का सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना, आप अगर आप जा रहे हो तो पहले बढ़िया सफाई करवा लो और आपके मतलब कहीं छोटा सा छेद है तो मसाला बोलते हैं उसको मसाला भरा लो और मतलब साफ करके जाओ, इसलिए कि आप मुंह खोल रहे हो बाहर बदबू आ रही है तो सामने वाला बिना देखिए आपको पॉइंट लिख देगा सीधा, चाहे आप सही हो आपका मतलब बदबू आ रही हो वैसे ही आप पॉइंट लिख देगा, कीड़े कीड़े वीड़े नहीं आ रही, वायरिया वाली बीमारी, खून वून तो नहीं आ रही, बारा डॉक्टर जाओ डॉक्टर के पास जाओ अच्छे से निकालो और मुँह एकदम वॉश करके अपनी नाक नाक सर नाक मतलब ये हड्डी होती है ना सर, नाक टेढ़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए और मतलब ये मांस होता है सर ऊपर ज़्यादा मतलब बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए जी। वो जो आई सबसे पहले तो मैं इंदौर फिजिकल एकेडमी और
गुरु जी और समस्त स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये इंदो फिजिकल एकेडमी की बदौलत है मैं यहाँ पे आज आप सभी के सामने वर्दी में खड़ा हूँ। और रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल देखिए कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता, आपको सबसे मेन चीज़ होती है घबराना नहीं है। आपने मेहनत करने के बाद आप फिजिकल पास हुए हैं, आपने 100 नंबर का फिजिकल मारा, 88 का मारा, आपने फिजिकल अगर कंप्लीट कर दिया उसके बाद आपको घबराना नहीं है। आपको वो डेट देंगे कि आपको एक दिन बाद ही बुलाते हैं या फिर दो दिन बाद बुला लेते हैं अगर बच्चे आता है तो आपको जो स्लिप देते हो स्लिप को लेके जाना। उससे पहले आपको आपके पूरे शरीर की सफाई कर लेना, जो भी आपके एक्स्ट्रा बाल आल होते हैं ना वो आपको बिल्कुल अच्छे से सफाई करना, दाढ़ी कटिंग आपको बिल्कुल बना लेना। उसके बाद आपका जो कान होता है सिर्फ कान ही आपको मशीन से चेक किया था, इसके अलावा आपके शरीर में किसी भी पार्ट को मशीन द्वारा चेक नहीं किया था। आपको कान में मशीन द्वारा चेक करते हो जो कान का जो पर्दे वर्दे होते हैं आपके पर्दे में कोई छेद नहीं होना चाहिए या फिर कोई धब्बा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रही बात आँखों की, आँखों की आपको LCD के ऊपर मतलब एक टेंट लगा होगा उसके अंदर LCD लगी होगी जी सर, वहाँ अंधेरा रहेगा और आपको थोड़ी डिस्टेंस पर खड़ा कर दिया जाएगा, वहाँ से आपको जो 6x6 वाले जो लेटर होते हैं वो आपसे पढ़वाए जाएंगे। आपको वहाँ पे घबराना नहीं है, उसमें जो आपको समझ में आ रहा वो पढ़ते जाना, रुकना नहीं है। जो भी समझ में आ रहा जो आपको लग रहा वही पढ़ना, रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप रुकते रुकते बोलोगे तो उनको डाउट रहेगा कि इस बंदे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो और अगर आप पहले से भी अपना चेकअप करवा सकते हैं, अगर आपको जो रतुंदी वाले अगर प्रॉब्लम है तो उसका भी वो जो आते फल फ्रूट्स वाले जो भी है वो आप खा सकते हो, उसमें भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। वो कलर ब्लाइंडनेस वाली होती है प्रॉब्लम, जो उसमें एक बुक आती है जिसमें आपसे मतलब उसमें बहुत सारे धब्बे रहते हैं, कलर वाले धब्बे रहते हैं, उसके अंदर गिनती लिखी होती है, वो आपसे पढ़वाते नंबर सिस्टम, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको घबराना नहीं है, सब कुछ दिखाई देता, क्योंकि इंडियन आर्मी ऐसी चीज़ है, मैं अभी हम गए वहाँ पर हमने हर चीज़ ऐसा देखा गया है, बताया गया है कि इंडियन आर्मी में एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई बंदा नहीं कर सकता। उसमें सबसे हाई वाले बंदे को सबसे लो वाले बंदे को ही ध्यान में रख के हर चीज़ बनाई गई है। तो ऐसा कोई भी पार्ट या ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जिसमें कि कोई बंदा नहीं कर सकता, ठीक ठीक है। तो आँखों का अगर उसके बाद आपकी नाक टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, किसी बंदे का कोई एक्सीडेंट हो जाता नाक टेढ़ी हो जाती है, टाँगे आके लगते जो भी है वो नहीं होना चाहिए। रही बात मुँह की, मुँह में आपके कम से कम 28 दांत तो होने ही चाहिए, 28 दांत से कम नहीं होने चाहिए। अगर आपके सामने वाले दांत या फिर दाढ़ आड़ में अगर आपको जगह खाली है तो आप वहाँ मसाला भरवा सकते हैं। आपके दांतों में कीड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। और मुंह में से बदबू नहीं आना चाहिए, जो पायरे वाली बीमारी होती है वो बदबू वाली बीमारी नहीं होना चाहिए। और कम से कम फिर आपका मुँह जी सर, आपका मुँह खुलवा के देखेंगे, बहुत सारे जो पाउच आउच खाते रहते हैं मतलब जो गुटखा उटका खाते सेवन करते हैं उनका मुँह नहीं खुल पाता है, तो आपके मुँह में वो मतलब पूरा मुँह खुलना चाहिए, आपका चार उंगली डाल के देखते हो, ठीक है। रही बात फिर शोल्डर की, आपका शोल्डर जो होता है मतलब किसी किसी बंदे का ऐसे अप डाउन रहता है, मतलब वो अप डाउन नहीं, आपको बिल्कुल नॉर्मल खड़े होना है, वो बिल्कुल सामने देखना है, आपको उनकी आंखों में नहीं देखना, आपको अपने स्ट्रेट सामने देखना है, ठीक है। और बिल्कुल व्यवस्थित सावधान की स्थिति में खड़े रहो, दोनों शोल्डर जो आपके शोल्डर चेक कर लेंगे, आपके निप्पल चेक करेंगे, आपके निप्पल ढीले नहीं होना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका पीछे देखते हैं तो पीछे आपका जो है बैक बोन है, ठीक ना, पीछे आपका बैक बोन चेक करते हैं वो, ठीक है। बैक बोन चेक करेंगे, पीछे की साइड आपका जो बवासीर वाली प्रॉब्लम होती है पाइल्स वाली वो भी आपको चेक करेंगे। वहाँ पे देखिए सबसे मेन चीज़ होता है कि वहाँ पे आपको पूरा आपके शरीर के कपड़े निकला देंगे, आपको वहाँ पे किसी भी प्रकार की हंसी मजाक नहीं करना है, ठीक है ना। आपकी हंसी मजाक आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है, अगर उन्होंने एक पॉइंट लिख दिया ना तो आप फिर मतलब बाई चांस अगर क्लियर नहीं हो पाया तो फिर आप दूसरी भर्ती नहीं देख पाओ। वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो परमानेंट पॉइंट लिख देते, किसी किसी बंदे को सर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मतलब हार्ट टूटा हुआ अगर सिलेक्ट होना ही नहीं तो उसको बिल्कुल परमानेंट पॉइंट लिख देते हो, फिर दूसरा बंदा भर्ती देखेंगे। तो आपको हंसी मजाक करना नहीं वहाँ पे, और क्या आपका जो प्राइवेट पार्टी चेक होता है उसमें आपके जो ग्रसण है सभी के थोड़े बहुत छोटे बड़े चलते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो मतलब हाइड्रोस जो प्रॉब्लम होती है हाइड्रोस वाली पानी भर जाता अंदर वो नहीं होना चाहिए। आपके जो लिंग है उसमें एक छेद होना चाहिए और आपके लिंग की जो चमड़ी है वो पूरी ओपन होना चाहिए। नोकनी वाली प्रॉब्लम में आपको बिल्कुल सावधान, जो नोकनी अगर चेक करेंगे फिर मिलाना दोनों सामने से नोकनी में जो घुटनों के बीच में है ये आपको गैप होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों घुटने जो आपके हैं मिलना नहीं चाहिए, और उसके बाद अगर नोकनी है आपको तो वो पीछे से चेक करते हैं, बाकी घबराना नहीं है, पॉइंट वॉइंट मिलता बाद में क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपके जो पीछे जो नस की वाली होता है वेरिकोस, ये यहाँ पे नसें निकलती है, ठीक है ना। तो वो आपको है ना जंप करवाएंगे, तो आपको जितना बताया उतना ही करना, जंप वंप करना। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, जिस बंदे को प्रॉब्लम होगी उन्हीं को पॉइंट देगा, हर किसी को पॉइंट नहीं दिया जाएगा। वो घबराना नहीं, बिल्कुल अच्छे से देना आपको, ठीक है ना, बाकी सब कुछ हो जाता है।
जी कुछ भाई क्या बोलना चाहेंगे आप? बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि एक और प्रॉब्लम रहती है जो पाम रहता है ना, स्वीट पाम की प्रॉब्लम रहती है, तो उसकी एक्सरसाइज जो सर करवाते हैं टेपिंग वगैरह, तो वो कंटिन्यू करना है आप लोगों को, ताकि जो आपके पाम है वो बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए, जबकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब फाइनल मेडिकल में। और एक फ्लाइट फूड की भी रहती है, तो आप बिल्कुल चेक करिए आपकी फ्लाइट फूड भी, जो भी प्रॉब्लम है पहले से आपको पता चल जाती है। फ्लाइट फूड नॉर्मली मतलब आपका पैर रहता है, अगर फ्लैट फुट है तो आप उसके लिए भी एक्सरसाइज वगैरह जो भी है वो करिए। बाकी भाइयों ने बता दिया आपको। आई होप कि दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिल पाता हूँ दोस्तों भाई लोग से। चलो कैसे हैं आप सभी लोग? पहले मजा आया? हाँ तारा भाई सबको बता दो, उनको पता भी चलना चाहिए बेटा ग्राउंड जा रहा है। कैसे नो मजा आ रहा सभी को? मजा आया? सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।